नमस्कार किसान भाइयों, सुपर करोप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे सफेद मक्खी के बारे में। पिछले सीजन सफेद मक्खी ने कपास के खेतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, परंतु इस बार अभी सफेद मक्खी का प्रकोप आपको खेतों के अंदर बहुत कम दिखाई दे रहा है या देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है उसको कंट्रोल कैसे करें, उसका लेवल का कैसे पता लगाएं, में कितनी है तो मुझे स्प्रे करने की जरूरत है। किसान भाइयों, तो उससे पहले कंट्रोल करने से पहले हम किसान भाइयों उसके जीवन चक्र के बारे में जाना, क्योंकि कोई भी कीट अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके जीवन चक्र के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर सेम जैसे जू और हरे तेले में होता है, इसके अंदर अंडा आता है, अंडे से आगे निम्फ बनता है जिसे हम शिशु कह देते हैं, उसके बाद में वयस्क आता है जिसे अडल्ट कह देते हैं, और फिर द्वारा जो फीमेल है वो अंडे देती है। किसान भाइयों, इसका जो एग है किसान भाइयों, जो अंडा है वो 3 से लेकर 5 दिन तक जिंदा रहता है पत्ते के ऊपर। उसके बाद में उस नीम से जो अंडा, अंडे से क्या बनेगा, निम्फ बनेगा किसान भाइयों, वो लगभग 9 से लेकर 14 दिन तक जिंदा रहता है, जो शिशु जिसे हम कह देते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, इसका जो वयस्क आता है, जो अडल्ट आता है किसान भाइयों, वो 14 से लेकर 107 दिन जो कपास का पत्ता है या जो कपास के अंदर है वो घूमता रहता है और पत्तों का रस चूसता रहता है। उसके बाद में जो किसान भाइयों, इसकी जो फीमेल होती है किसान भाइयों, एक फीमेल लगभग है जो इसकी मादा जो है किसान भाइयों, वो 119 बच्चे आगे और पैदा कर देती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि नुकसान कैसे करती है, इसके लक्षण क्या होते हैं नुकसान करने के। तो किसान भाइयों क्या करता है, जो इसके जो शिशु है या जो वयस्क है, शिशु क्या होगा, पत्ते के नीचे चिपके होते हैं, यहाँ से वो क्या नीचे बैठे बैठे इसका रस चूसते रहेंगे अंदर ही अंदर। या जो आपके अडल्ट है जो वयस्क है, वो भी सेम इसका जो रस है वो पत्ते से रस चूसेंगे और इसके अंदर अपना जो चिपचिपा पदार्थ है वो पत्ते के ऊपर पूरा भर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो कि पत्तों के ऊपर आपको जो काली फफूंद है वो दिखाई देती है, पूरा का पूरा जो कपास का पौधा जिस पे अटैक ज़्यादा होता है सफेद मक्खी का, जिन खेतों के अंदर उनके आपके पत्ते देखे हुए बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, तो वो किसान भाई यही होता है सफेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा है, सफेद मक्खी उसके अंदर से रस चूसे जा रही है और उसकी जो फोटोसिंथेसिस जो जो प्रोसेस होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस है किसान भाइयों, उसको रोक देती है, जिस वजह से क्या है कि आपका जो कपास का पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है, वहीं रुक जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि पत्ते पूरे आपके जो चिपचिपा पदार्थ ये लगाती है पत्तों पे, तो पूरे के पूरे पत्ता जो आपका जो काले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा खेत खत्म हो जाता है किसान भाइयों। और जो सफेद मक्खी है किसान भाइयों, जो पत्ता मरोड़ वायरस है, इसको भी यही फैलाती है किसान भाइयों, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो आपकी सफेद मक्खी है यही लेके जाती है। अब बात करते हैं कि इसका कितनी सफेद मक्खी हो तो मुझे स्प्रे करने की जरूरत है, क्योंकि सीजन में एक दो तो आपको आखिर तक उड़ती हुई दिखाई देगी, पर उनका एक लेवल है, लेवल से नीचे तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेवल से ऊपर है तो हमें छिड़काव करने की जरूरत है किसान भाइयों। तो उसका जो लेवल है किसान भाइयों, सेम जैसे आप जू में हरे तेले में आपने देखा ऊपर की 5वीं पत्ती आपने चेक करी, बीच की पत्ती आपने चेक करी और नीचे की पत्ती चेक करी, इन तीनों पत्तियों का जोड़ आपने जोड़ा, अगर जोड़ किसान भाइयों तीनों पत्तियों का 18 से लेकर 24 अगर वयस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, भी 18 से ऊपर है या 24 से ऊपर हैं किसान भाइयों, तो आपको क्या है कि छिड़काव करने की जरूरत है। अब बात आती है कि छिड़काव में कौन सी दवाई मैं प्रयोग लेके आऊँ ताकि मेरे खेत के अंदर जो सफेद मक्खी है उसका जड़ से सफाया हो जाए। तो उसमें किसान भाइयों, इसके अंदर दो तरह की दवाइयाँ आती है किसान भाइयों। पहली एक दवाई तो आती है जो केवल क्या करती है कि जो आपकी उड़ रही है सफेद मक्खी उसको मारती है, और दूसरी दवाई है किसान भाइयों अंडों को मारती है, और एक दवाई ऐसी है जो उड़ती को मार रही है, जो उड़ रही है आपकी सफेद मक्खी, और जो अंडा पत्तों के नीचे जो आपका नीम जो चिपका है उसको भी मारती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी अभी उड़ रही है उसको मारने वाली दवाई कौन कौन सी है किसान भाइयों। तो उसमें जो सबसे पहली जो दवाई आती है किसान भाइयों, वो आती है आपकी फ्लोनिकामिड, जो कि उलाला के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। उसकी मात्रा किसान भाइयों 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरी दवाई आती है डाइफेंथायुरान 50 WP 200 ग्राम, जो कि पोलो के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। उसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। उसके बाद में किसान भाइयों डाइनोटोफिरान, जो कि ओसिन के नाम से आपको मार्केट में मिलती है किसान भाइयों, या टोकन के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लोथिडियन किसान भाइयों 50 WG, उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों केवल और केवल 20 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में जो इथियन दवाई है किसान भाइयों, वो भी जो आपका सफेद मक्खी उड़ रही है उसको मारती है, पर इथियन का जो प्रयोग है किसान भाइयों वो आपको जब आपकी फसल 120 दिन की हो जाए उसके बाद में प्रयोग करना। अगर इथियन का प्रयोग आप पहले प्रयोग में लेके आ रहे हो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, तो आपके खेतों के अंदर क्या है कि सफेद मक्खी एक बार तो कंट्रोल में हो जाएगी पर वो दोबारा बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्या करना है कि इथियन का प्रयोग आप जो 120 दिन के बाद में करना है। बाकी जितनी मैंने दवाइयाँ बताई आपको, फ्लोनिकामिड है, डाइफेंथायुरान जो कि आपकी पोलो है, डाइनोटोफेरान जो ओसिन दवाई आती है किसान भाइयों, वुफ्रोफेजिन है, क्लोथाइडाइन है, ये दवाइयाँ किसान भाइयों आप प्रयोग कर सकते हो 120 दिन से पहले पहले। अब बात आती है कि ये तो जो दवाइयाँ बताई वो तो क्या थी, जो उड़ रहा है उसको मारती है,
उड़ रहा है वो तो मार दिया, अंडे कैसे मारे क्योंकि फिर अंडों से फिर दोबारा वो तो सफेद मक्खी पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट दवाई है किसान भाइयों वो आपकी है अफिडोपायरोफेन 50 DC, जो कि सफीना के नाम से अभी पिछले 1-2 साल से नई आई है मार्केट में, आपको मिल जाएगी सफीना के नाम से। उसका जो टेक्निकल है किसान भाइयों वो है अफिडोपायरोफेन 50 DC। इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में जो दूसरी जो है किसान भाइयों पायरोप्रोक्सीफेन 10 EC, जो कि आपको लेनो के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप हर किसान जानता होगा लेनो जो दवाई आती थी, तो उसकी किसान भाइयों जो मात्रा है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में तीसरी जो दवाई है किसान भाइयों वो है स्पायरोमेसीफेन 22.9 SC, उसकी मात्रा किसान भाइयों 200 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है किसान भाइयों। ये तीनों दवाइयाँ थी जो किसान भाइयों आपके क्या करती है, जो अफिडोपायरोफेन जो सफीना है वो तो आपके जो उड़ रहा है उसको भी मारेगी और अंडों दोनों चीज़ों को एक साथ मारती है। उसके अलावा जो आपकी पायरोप्रोक्सीफेन जो लेनो है और जो स्पायरोमेसीफेन जो ओबेरॉन के नाम से दवाई आती थी, ये क्या करती है कि केवल और केवल जो अंडा पत्तों के नीचे बैठा है किसान भाई, जो निम्फ आपका है जिसे हम निम्फ कह देते हो, उसको मारेगी किसान भाइयों। तो अब आपको करना है भी आपके खेतों के अंदर देखना है भी मेरे खेत में क्या उड़ रहा है वो ज़्यादा या अंडे ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं पत्तों के नीचे। अगर अंडे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो मैंने अभी दवाइयाँ बताई है लेनो ओबेरॉन जो दवाई आती है या सफीना प्रयोग करिए। अगर उड़ने वाला अंडे नहीं है, उड़ ज़्यादा रहे हैं, तो आप उलाला प्रयोग कर सकते हो, पोलो प्रयोग कर सकते हो, ओसिन प्रयोग कर सकते हो किसान। इसके अलावा मार्केट में कई तरह के मिक्सर आपको मिल रहे हैं किसान भाइयों, उनसे आपको बचना है किसान भाइयों। किसी भी तरह का कोई भी मिक्सर नहीं लेके आना। मिक्सर अगर आप अपने खेतों में प्रयोग करोगे तो वो मिक्सर आपके खेतों के अंदर कुछ भी उल्टा असर डाल सकता है। एक बार उसका असर आपको दिखाई दे सकता है, पर उसके 10-15 दिन बाद वही असर आपको कपास की फसल पे उल्टा दिखाई दे सकता है। तो जितने भी कीटनाशक आप प्रयोग करें उस सफेद मक्खी के किसान भाइयों, वो केवल आप अकेले ही प्रयोग करो। जो किसान भाई संगरिया हनुमानगढ़ गंगानगर से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं किसान भाइयों, वो जितनी भी मैंने अभी मात्रा बताई है आपको, उनको आपको बिग्गे के हिसाब से कन्वर्ट करके डालना है। बिग्गे के हिसाब से किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटे का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए। और यह वीडियो दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करिए किसान भाइयों व्हाट्सएप के द्वारा, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच पाए और वो भी अपने खेतों के अंदर सफेद मक्खी का अच्छे से कंट्रोल कर पाए।